ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। खबर इंदौर से, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ इंदौर पहुंचकर शिवराज सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। इंदौर के बेरोजगार महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता में युवा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार भविष्य के युवाओं की कद्र न करे, वैसी सरकार को तो आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंक देना चाहिए। कितना चिंता का विषय, मुझे ताज्जुब होता है कैसी सरकार ये चल रही है। जिस सरकार की प्राथमिकता नौजवान ना हो, उस सरकार को क्या करना चाहिए, लात मार के हटाना चाहिए। ये कड़े शब्द मैं यूज कर रहा हूं, का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य। और रोजगार एक हुआ शासकीय रोजगार, एक हुआ प्राइवेट रोजगार। आज मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता। शिवराज सिंह जी यहां आके इंदौर में नाटक करते हैं, 6 दफे इन्वेस्टमेंट समिट 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, जो आपके हित पर है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।